गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ग फैमिली इन बिहार। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ, घर का बाकी सारा काम भी हो चुका है और यहाँ मैं पूजा करने बैठ चुकी हूँ। और आप सब कैसे हैं? हम लोग बहुत ही बढ़िया है। और बताइए आप सब क्या क्या कर रहे हैं सुबह में, कैसे आप लोगों का शुरू होता है दिन का? तो चलिए दिन का शुरुआत ठाकुर जी का नाम लेकर के शुरू कर लेते हैं। पूजा करने के बाद मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बुबुन के लिए चीज़ी सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि उसको स्कूल लेके जाना है। तो उसी ने बोल दिया कि मम्मा आज मुझे चीज़ी सैंडविच बना के दीजिएगा, स्कूल में लेके जाना है। तो चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है और स्प्रेड कर रही हूँ। उनका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। ये है चीजी सैंडविच और है खीरा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बुबुन अभी रेडी हो गया है, उसका पापा उसे रेडी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 8 बजे स्कूल है। हाँ, जल्दी तैयारी हो गया। लंच खेनी भी बाबा बुझली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ग फैमिली इन बिहार। तो अभी सुबह का 8 बज गया और मेरा प्रेशर कुकर भी सीटी दे रहा है, दाल मेरा चढ़ गया है, चावल हो चुका है और बुबुन चला गया है स्कूल। अभी हम दोनों चाय पियेंगे, तो चलिए चाय फटाफट बना। चला गया है स्कूल, बुबुन स्कूल चला गया है। यहाँ पे मैं सत्तू पराठा बनाऊंगी, तो यहाँ पे सत्तू मैंने ले लिया है और यहाँ पे अनियन को मैंने चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली और लहसुन गार्लिक जो मैंने चॉप कर लिया है। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें मैं दे दूंगी। सॉल्ट, और ये अच्छे से पहले मिक्स करूंगी। अभी इसमें सरसों का तेल,
तो स्टफिंग रेडी हो चुका है और आटा को पहले से मैं डो बना के रख दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डो लीजिएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर स्टफिंग बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा डो लेने की कोशिश कीजिएगा, तो इसके अंदर मैं स्टफिंग फिल करूँगी। और दबा दबा के अंदर तक लेके फिर उसके बाद इसको कवर कर दूंगी। तो कवर करने के बाद इसे बेल के फिर घी से, आप रिफाइन ऑयल से, आप जो ऑयल प्रेफर करते हैं या सेक के भी खा सकते हैं बिना ऑयल का, जो आपका जो मर्जी हो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनता है। ये चीज़ फेवरेट है मेरा, पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। दोनों तरफ सेकने के बाद घी से इसे मैं फ्राई कर रही हूँ और फ्राई हो गया है। गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये है ब्रेड और इसके अंदर है स्टफ्ड पोटैटो और अंडा भी है। तो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जल्दी से मटन बनने का तरीका, मटन हम लोग आलू को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, उसके बाद आलू डाल देंगे। अब इसमें नमक दे देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसे ढक देंगे और गैस को धीमी आंच पे कर देंगे। तो जब तक आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग मैरिनेशन पे ध्यान दे देते हैं, मैरिनेट कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो संडे के दिन आप चिकन खिलाए थे, फिर से हम आ गया मटन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है अनियन, यहाँ पे है अच्छे से धोया हुआ मटन, ये है अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और कच्चा मिर्च। अदरक का पेस्ट बनाते समय मैंने यहाँ पे कच्चा मिर्च भी पेस्ट बना लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टमाटर को देंगे। हाँ, पहले टमाटर को दे देंगे। अनियन को हाफ ले लेंगे और हाफ फ्राई करेंगे। बस बस बस। तो इसमें नमक डालेंगे, और भी नमक देना है। हाँ, और ही नमक चाहिए। और इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, जितना हो सकता है हाथ से आप लोग मिक्स्ड कर दीजिएगा इसको।
अब इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट। हाँ, बहुत मौसम। थोड़ा सा लहसुन बस। हल्दी पाउडर, सरसों का तेल भी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मटन पे चर्बी है। और इसमें दही भी ऐड कर देंगे एक चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे। तो अभी मिक्स हो गया है, और इसमें जो कच्चा मिर्चा है वो भी ऐड कर दीजिएगा। तो आलू यहाँ पे फ्राई हो गया है, अब इसको उठा के रख देंगे। अनियन को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को उठा लिए है, उसी ऑयल पे हम लोग अनियन को फ्राई करेंगे। तो अनियन अभी फ्राई हो चुका है, मतलब इससे ज्यादा भी आप लोग फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना सा ही फ्राई करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा तेल दे देंगे, भुवन को भी खाना बनाना है। हाँ दे दीजिए। इसमें है इलायची, लौंग और दालचीनी। तो ऑयल गरम हो चुका है, अभी इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सही तरीका से, अच्छा तरीका किसी को पता है? जो हम लोग घर पे बनाते हैं उसी तरीके से दिखा रहे हैं। क्या भुवन एक्साइटेड? बहुत, या थोड़ा सा? बहुत बहुत। तो अभी मैरिनेटेड मटन को इस पे दे देंगे। थोड़ा सा सूखा मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बच्चा खाएगा ना, गुगुन खाएगा, तो उतना मतलब तीखा वो नहीं खा पाएगा, तो इसीलिए कम दे रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से दीजिएगा। अब इसको अच्छे से हिला देंगे। ये गुगुन भूगला क्या? इत्तू सा लगा है। पापा, तेरे पापा। सभी पापा, मम्मी का कोनो फीलिंग्स नहीं है। चलिए कोई बात नहीं,
पापा तुसी छा गए है ना, पूरा लाल पीला टी शर्ट पहन के खुद भी लाल पीला हो रहे हैं कितना दूर तक हुआ है, भूख लग गया जल्दी से, अभी इसी पोजीशन पे अभी आया है, कब बनेगा कब बनेगा। चिली से बना हुआ है तो कलर उतना नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पाउडर मिर्च उतना यूज नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं। क्या बट खाने में बहुत टेस्ट लगेगा। हाँ, सूखा मिर्च खाना उतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, मतलब पाउडर वाला जो मिर्च होता है, अगर आप अपने घर पे खुद मिक्सी पे पीस के बनाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मार्केट वाला उतना। फ्राई किया हुआ अनियन है उसको इसके ऊपर डाल देंगे। अभी इसमें गरम पानी ऐड कर देंगे और गरम पानी ऐड करने के बाद ढक्कन लगा के दो चार सीटी देने से ये कॉम्प्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट करिएगा और मेरे चैनल पे जो नए व्यूअर्स है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिएगा। So good night, bye bye, love you all, सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना मैं करती हूँ, bye bye.